नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो एप्लीकेशन फॉर्म निकला है 2021-22 उसके बारे में बताऊंगा। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फी कितना है और क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट आपको रखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद वो अच्छा एक यूनिवर्सिटी है, आपको जैसे लिखा है देखिए, एज पर साइड पोर्शन आप देख सकते हैं कि एज पर 2019 नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इज रैंक्ड फोर्थ अमंग ऑल यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। तो जैसा क्यूएस रैंकिंग भी अच्छा रैंकिंग है, तो आप बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक अच्छा यूनिवर्सिटी है इन द इंडिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और कब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन 21 जून से स्टार्ट होगा और 20 जुलाई तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। उसके पहले आपको जो आपका फोटोग्राफ है उसका आप जेपीजी फॉर्मेट में करके रखिएगा अराउंड 225 KB एंड सिग्नेचर भी आपका 10 KB का होना चाहिए। और अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास रखना पड़ेगा, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस। तो एप्लीकेशन फी कितना है, सेकंड क्वेश्चन। एप्लीकेशन फी जो है जिन्होंने के लिए 650 रुपया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपया, ओबीसी के लिए 450 एंड ई एसटी एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 300 रुपया है। और ये जो फी है वो रिफंडेड है, मतलब फीस वंस पेड इट विल बी आपका रिफंड नहीं मिलेगा उसका। तो जब आप फिलअप कीजिएगा तो सोच समझ के कीजिएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद ही आपको बोला है कि एप्लीकेशन नंबर एंड द पेमेंट ट्रांजेक्शन नंबर ऑर्डर नंबर इट विल बी जनरेटेड एंड शोड एट द टाइम ऑफ द पेमेंट, पेमेंट के टाइम आपको दिख जाएगा। अब बात हुआ कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको देखिए ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मेट दे दिया जाएगा और यहाँ पर ओबीसी का भी फॉर्मेट यहाँ पर दे दिया गया, आप यहाँ पर आकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब बात है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका, इसके लिए आपको वैलिड ईमेल आईडी चाहिए और आपको जो मैं बोला कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड कास्ट सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उसका भी फॉर्मेट बना के रखे और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी का भी आप बना के रखे सर्टिफिकेट। आप बताओ कि इसका प्रोसेस कैसे है, कैसे आपको प्रोसीड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो उसके लिए देखिए आपको सिंपल, आपको वेबसाइट में जब खोलिएगा एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कोई भी रजिस्ट्रेशन, ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको जैसे चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर देना पड़ेगा, क्या क्या एप्लीकेशन, आपका नाम, क्या आधार नंबर देना पड़ेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, नेशनलिटी, कैटेगरी सब देना पड़ेगा, देन रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोल दिया कि चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सेंटर देख के दीजिएगा क्योंकि एग्जाम सेंटर अगर दूर हो गया तो आप एग्जाम दे नहीं पाता, बहुत से स्टूडेंट एग्जाम दूर होने के कारण दे नहीं पाता है। तो यहाँ पर आपको तीन चॉइसेस दिया जाएगा, तो आपका आसपास में जितना अच्छा सेंटर मतलब पास हो आपका, यहाँ पर सुविधाएं अवेलेबल है ट्रेन का बस का, वहां का दे दीजिएगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पर चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका कोड वर्ड में यूज किया जाएगा जब आप भरिएगा फॉर्म, तो यहाँ पर दे दिया जाएगा कि मैथमेटिकल साइंस को जैसे एमए लिखा जाता है, फिजिक्स को पीवाई, केमिकल साइंस को सीएच लिखा जाता है, सिस्टम बायोलॉजी को एसबी लिखा जाता है। अगर आप एमए करना चाहते हैं फिर भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में सोशल साइंस में, देन इकोनॉमिक्स को एसी लिखा है, तो ये शॉर्ट फॉर्म भी देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप थ्री चॉइस या दो एग्जाम एक साथ देना चाहते हैं और आप गलती से दूसरे एग्जाम का फॉर्म भर दें। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा और डोमिसाइल बना के रखिएगा कौन सा डोमिसाइल का आपका स्टेट का है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्मेट होता है वो भी देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पर आपको प्रोवाइड भी कर दिया गया है, ये इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है उसका फॉर्मेट देख लीजिएगा, जो बोला है देखिए यहाँ पर इशू बोल दिया है, इशू ऑन, तो ओडब्ल्यूएस को सर्टिफिकेट का यहाँ पर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दिया गया उसके अनुसार ही करना है। और आपको इशूड ऑन आफ्टर 1/4/2018, तो इस डेट के आफ्टर या इसके डेट के दिन आपको होना चाहिए इशू जो आपका सर्टिफिकेट है, उसके पहले उसका कोई महत्व नहीं है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो पहले आपको यहाँ पर अगर आप बीटेक का स्टूडेंट है तो आपको गेट का स्कोर देना पड़ता है और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए दूसरा प्रोसेस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोसेस पूरा दिया गया है, मैं आपको ये पीडीएफ जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर पूरा प्रोसेस देख लीजिए कैसे करना है। नहीं तो जब फॉर्म निकलेगा मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। उसके पहले जो आपको नोटिफिकेशन देना था मैं आपको दे दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का निकल चुका है, तो आप लोग उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए, डॉक्यूमेंट जितना भी है पहले तैयार कर लीजिए। ओबीसी से बिलोंग करते हैं और अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करें तो उसका डॉक्यूमेंट पहले बना लीजिए, देख लीजिए कि फॉर्मेट क्या दिया गया है और कौन सा डेट के पहले आपको मांग रहा है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हर बार की तरह इस बार वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कॉमेंट करने के लिए, दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।